गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 12 तक कंप्लीट किया था कि कंडीशन ऑफ दी कंसिस्टेंटली डिफाइंड। नंबर 13 से कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 13 में तीन सम है, तीनों के तीनों सेम। ओके, टोटल आपको एक्चुअल में देखिएगा 1, 2, 3 तीनों सब में टोटल चार चीजें पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, पी ऑफ ए यूनियन बी। कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। पहले में यूनियन मांगा है, दूसरे में पी ऑफ बी मांगा है, तीसरे में पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी मांगा है। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 1 सेट, एक इक्वेशन हम जानते थे ऐसा पी ऑफ ए यूनियन बी, हम नंबर ऑफ लिखते थे प्रोबेबिलिटी का। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, समझ में आया? अगेन पी ऑफ क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। यही इक्वेशन हमको तीनों के तीनों सब टॉपिक के सामने उसमें यूज करना है। तीन में से कोई भी, चार में से तीन चीज होगी तो आपको मिलेगा। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 13, उसका नंबर 1 तो कौन कौन से डेटा गिवन डेटा है, पी ऑफ ए है 1/3, पी ऑफ बी है 1/5, पी ऑफ ए 1/3, पी ऑफ बी 1/5, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी 1/15। पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी 1/15, तो वही इक्वेशन डालो, P of A union B हमको ढूंढना है। तो P of A, P of B minus P of A intersect B, तो P of A क्या 1/3, 1/5 minus 1/15। चलो LCM 15 ले ले, 3 है तो 5, 5 है तो 3 minus 1, 5 plus 3 8 minus 1 तो 7/15। This is the answer, clear? वैसे ही नंबर 2 में बेटा पी ऑफ हमको ढूंढना है बी, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी ये दोनों को सामने लेके जाएंगे। फिर ये इंटरसेक्ट बी, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, बाकी को सामने लेके आओ। कुछ ना कुछ करके आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तीन ही चीजें और ऑलरेडी सेट में आपने ऐसे काफी सारे सम चैप्टर नंबर 1 में किए है। ओके, तो नंबर 2 एंड नंबर 3 उसी का दोनों आपको होमवर्क में अच्छे से करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। ओके, चलो कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहेगा। व्हाट अबाउट नंबर 14? तो गिवन पी ऑफ ए दिया है 3/5। क्या दिया हुआ है? पी ऑफ ए 3/5। फिर आपको दिया हुआ है पी ऑफ बी 1/5। पी ऑफ बी क्या दिया हुआ है? 1/5। पी ऑफ ए 3/5, पी ऑफ बी 1/5। देन फाइंड ए और बी, मतलब कि इसको सीधी लैंग्वेज में बोले तो ए यूनियन बी आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो फाइंड ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसका मीनिंग ऐसा कि ए इंटरसेक्ट बी हुआ फाइव, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो ए इंटरसेक्ट बी 5, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P of A intersect B is equal to 0 होगा। क्या होगा? P of A intersect B 0, क्योंकि कंपोनेंट तो उसके क्या बनेंगे, 0। ए है, बी है, इंटरसेक्ट रेडी है, ढूंढना यूनियन है, वही पुराना इक्वेशन P of A union B is equal to P of A, P of B एंड माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। तो पी ऑफ ए क्या 3/5, पी ऑफ बी क्या 1/5 और ये क्या है 0। मैं 5 एलसीएम ले लूं तो 3+1 = 4, दिस इज द आंसर। बोला गया समझ में? हमें समझना है कि चार चीज तो होनी चाहिए, एक ढूंढनी है, तीन दी हुई होनी चाहिए। वो हमको ढूंढना है कि कैसे दी है, किस तरह से दी है, उसी हिसाब से ढूंढ के फिर उसका कन्वर्जन करना है। बात आगे करें तो नंबर नेक्स्ट नंबर 15 पे चलते हैं। ई एंड एफ आर द इवेंट, ई एंड एफ इवेंट है। एग्जांपल नंबर 15, तो पी ऑफ ई क्या है 1/4, पी ऑफ एफ क्या है 1/2
आपको दिया है ई एंड एफ भी दिया है, चलो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट एफ क्या दिया हुआ है 1/8, फाइंड पी ई और एफ नॉट ई एंड नॉट एफ। तो नंबर वन मतलब कि एक ऐसा बोला है पी ऑफ ई और एफ मतलब कि ई यूनियन एफ, क्या बोला है ई और एफ, तो ई यूनियन एफ मांगा है तो वो तो अभी हो जाएगा ई यूनियन एफ, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ, तो पी ऑफ ई 1/4, पी ऑफ एफ 1/2 और ये माइनस 1/8, तो एलसीएम ले लेते हैं 8, तो 4 है तो 2, 2 है तो 4, ये तो 4 प्लस 2 6 माइनस 1 तो 5/8, ये क्या है ई यूनियन एफ। दूसरा ऐसा मांगा है व्हाट अबाउट नंबर 2, क्या बोला है नंबर 2 के अंदर, ऐसा बोला है नॉट ई एंड नॉट एफ डैश, मतलब ऐसा होता है पी ऑफ नॉट ई तो ई डैश इंटरसेक्ट एफ डैश। ओके चलो ऐसा कोई इक्वेशन हमको पता नहीं है, फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम, हमने सेट में सीखा था दो इक्वेशन थे ऐसे, ओके कि भाई कोई भी चलो ले लो पी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश, तो ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ ई डैश सेपरेट कर रहा है दोनों, मतलब क्या करना है दोनों को सेपरेट कि भाई ई डैश यूनियन एफ डैश, तो दोनों का होल हो जाएगा या तो दोनों को मतलब क्या कर देंगे सेपरेट। जैसे डायरेक्टली इसके अंदर ही मैं आपको समझा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ये लिखना है। तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख देते हैं एक बार अच्छे से कि भाई ऐसा हो कि पी ऑफ, वहां पे पी ऑफ नहीं था, ई डैश इंटरसेक्ट एफ डैश हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ दोनों का डैश हो तो बीच में यूनियन करके होल डैश। समझ में आया डी मॉर्गन थ्योरम, ऐसे देख पी को निकाल दो ई डैश इंटरसेक्ट एफ डैश तो यूनियन का होल डैश, और सेम थिंग अगर पी ऑफ ई डैश यूनियन एफ डैश होता तो हम लिख सकते थे पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ का होल डैश, पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ का होल डैश, क्लियर। ओके तो यूनियन हो तो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट हो तो यूनियन, तो हमारे पास इंटरसेक्ट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश, थोड़ा कम हुआ डैश, अब होल डैश तो मेरे पास अभी भी नहीं है, तो हम एक और इक्वेशन अभी जानते थे लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1, तो उसमें से डैश को सब्जेक्ट बनाए तो वो 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, तो डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा। तो डैश निकालना हो नॉर्मल फॉर्म में लाना हो तो उसको सामने लेके जाओ तो 1 माइनस हो जाएगा, चलो हो गया। तो ई यूनियन एफ की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या है, मैंने यहाँ पर ही ढूंढी है 1 माइनस 5/8, एलसीएम 8 लोगे तो 8 माइनस 5 दैट मींस 3/8 है इजी, पर ये समझना जरूरी है वो डी मॉर्गन थ्योरम हुए ये दोनों, और नीचे वाला जो हमारा इक्वेशन था पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, तो धीरे धीरे करके डैश निकालने के लिए ये दोनों काम आएंगे और अच्छे से सम भी हो जाएगा। चलो 15 नंबर का सम खत्म हुआ, फिर नंबर 16, व्हाट अबाउट नंबर 16, क्या है नंबर 16 में, तो इवेंट ई एंड एफ सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25, तो पी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25, ऐसा दिया, एक ही चीज दी हुई है और बोला है स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ दोनों एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्ट 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, चेक करते हैं। तो डैश पहले तो निकालो क्योंकि हमें तो नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ई डैश एफ का होल डैश अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, अब ये डैश निकालना हो तो 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ नॉर्मल फॉर्म में 0.25, अब इसको पकड़ के सामने लेके जाओ तो पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ तो 1 माइनस 0.25, तो फाइनली पी ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ इज इक्वल टू 0.75, क्या 0 आया, अगर ऐसा था इंटरसेक्ट 5 तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है,
तो हमारा प्रोबेबिलिटी जीरो हुआ नहीं, 0.25 दैट मींस डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो मतलब कि क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, मतलब ये कि भाई ई इंटरसेक्ट फाइव डज नॉट इक्वल टू फाइव, ई इंटरसेक्ट फाइव हमारा फाइव है नहीं, अगर फाइव होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे फाइव था तो प्रोबेबिलिटी हमने जीरो ली, फाइव नहीं है तो प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, आ गया समझ में, इजी है, पता चल जाए ऐसा। एक और सम कवर कर लेते हैं नंबर 17, वो भी छोटा है, ए एंड बी आर दी इवेंट, ए और बी इवेंट है हमारे पास, सम नंबर 17, तीन छोटे छोटे केस है उसमें, और इसमें बोला है कि P of A 0.42, आप अपने आप कर सको ऐसा है 0.42, P of B क्या बोला है तो 0.48 एंड P of A इंटरसेक्ट B, तो P of A इंटरसेक्ट B क्या है, A इंटरसेक्ट B 0.16। Determine P not A not B and A or B, तो not A तो मतलब ऐसा ढूंढना है P of A dash, तो वो तो सिंपल है ना, 1 minus P of A आप कर सकते हो, दूसरा बोला है not B तो P of B dash, तो वो भी कर सकते हैं ना, 1 minus P of B ये भी हो जाएगा, और तीसरा बोला है P of A union B तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि P of A है, P of B है, माइनस P of A इंटरसेक्ट B भी है, सब कुछ रेडी पड़ा है, तीनों में से कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, ये पहले ढूंढो बाद में ढूंढो बाद में ढूंढो कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो 17 तक सम क्लियर हो गए बेटा, अब ऑलमोस्ट चार ही सम बाकी है, 18, 19, 20, 21, तो शायद वो कल के वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज समझ में आया, टोटल 5 सम किए, 13 में एक ही इक्वेशन के ऊपर तीन थे, एक किया दो आपको दिए, 14 में भी नॉर्मल वही इक्वेशन था, 15 में डा मॉर्गन थ्योरम सीखने थे जो मैंने अलग से आपको सिखाए, 16 में भी कंडीशन प्रूव हेड करनी थी पर सिंपल डा मॉर्गन थ्योरम के ऊपर से ही जा रहा था, ओके, और 17 में तो वही पुराना नॉर्मल केस था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, सम इजी है, बस वही दो तीन इक्वेशन में आगे पीछे घूमना है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बोलो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके, यहाँ तक आप अच्छे से बड़ा रेडी करिएगा होमवर्क में, नंबर 18, 19, 20 एंड 21 वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, आज के लिए इतना रखना है और यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, थैंक यू।